वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज में आज कुछ ऐसे वर्ड्स पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि हमारे मेथड से कितना आसान है वोकैबुलरीज या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को याद करना। तो चलिए आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तीसरी वीडियो देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल राइट विद अस 24 ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस। हमारी ऑफलाइन क्लासेस इलाहाबाद प्रयागराज में चलती हैं और ऑनलाइन क्लासेस आपको मिल रही हैं टाइम टू टाइम यूट्यूब पे। तो चलिए देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हमने दो पार्ट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जिसमें कि मैंने 30-30 वोकैबुलरीज आपको दी हुई हैं, ठीक है, यानी 60 वोकैबुलरीज टोटल आपके पास ऑलरेडी हैं, ठीक है, जिसकी मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी है सो दैट कि आपको कोई भी दिक्कत किसी भी तरीके से ना हो। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए अगर आप अप टू डेटेड सारी पीडीएफ चाहते हैं तो जाकर टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन करिए। राइट ब्रदर्स 24 टेलीग्राम चैनल का नाम है, ठीक है, जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। जितनी भी हमारी पीडीएफ्स हैं वो सब वहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो चलिए आज हम लोग वोकैबुलरी यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज नंबर 3 पे कुछ 30 वोकैबुलरीज जो हैं उसको आज हम रेडी करते हैं। मतलब हमारे पास टोटल कलेक्शन हो जाएगा 90 वोकैबुलरीज का। और एक बात याद रखिएगा कि मैं बहुत सारी वोकैबुलरीज कवर करने वाला हूं वीडियोस में ही, तो इसलिए आप इस चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि इंग्लिश चाहे मैथ्स को लेकर आपकी चिंता एकदम खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, जो क्लास में पढ़ाते हैं वो आपको ऑनलाइन सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो इस बात से निश्चिंत रहिएगा कि आपको इंग्लिश या मैथ अधूरा मिलने वाला है, पूरा मिलेगा जो भी मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज वोकैबुलरी नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। 30 वोकैबुलरीज हैं हमारे पास, उन सबको हम लोग 1 by 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड जो है आज हमारा वो है एमनीशिया। एमनीशिया मतलब क्या होता है? गजनी मूवी। अब गजनी मूवी आपने देखी होगी, गजनी मूवी में आमिर खान जो होता है उसको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम होती है और इसी मेमोरी लॉस को क्या बोलते हैं हम लोग? एमनीशिया। मतलब आपकी भूलने की बीमारी को क्या बोलते हैं हम लोग? एमनीशिया बोलते हैं। तो एमनीशिया का क्या मतलब होता है? मेमोरी लॉस। और गजनी मूवी से आप आसानी से ये चीज याद रख सकते हैं, ठीक है ना। तो गजनी मूवी से आपको याद आ रहा होगा कि आमिर खान इसमें भूलने की बीमारी होती है। जैसा कि आप बगल में देख रहे होंगे, इन्होंने अपने शरीर पर ही सब कुछ लिख डाला है ताकि इनको कुछ भी अगर ये भूलते हैं तो वो लिखावट देखकर इन्हें याद आ जाए। तो एमनीशिया का मतलब क्या होता है? भूलने की बीमारी या मेमोरी लॉस। नेक्स्ट हमारा वर्ड नंबर 2 है एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है? आपको बगल में जो पिक्चर दिखाई दे रही है उस GIF से क्लियर हो रहा होगा कि किसी के बंधे हुए हाथ को खोल दिया गया है, मतलब किसी को दोष मुक्त कर दिया गया है, मतलब किसी को पार्डन कर दिया गया है, यानी किसी को किसी भी अपराध या किसी भी दोष से क्या कर देना? मुक्त कर देना। दैट इज कॉल्ड एमनेस्टी। फ्री फ्रॉम एनी ऑफ द क्राइम या किसी भी तरीके की सजा से, इस तरीके की किसी भी चीज से किसी को मुक्त कर देना, दोष मुक्त कर देना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एमनेस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। बगल में आपको ये घूमता हुआ कुछ दिखाई दे रहा होगा, यही एनीमोमीटर है। देखिए एनीमोमीटर का क्या काम होता है? ये विंड की स्पीड और डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब हमारी वायु की गति को और उसकी दिशा को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का इस्तेमाल करते हैं और ये कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। तो बगल में आपको पिक्चर से सारी चीज़ें और भी अच्छे से क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो पिक्चर्स जरूर देखते रहिए और प्लस जो भी इसके ऊपर और नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने मीनिंग्स लिखवाई हुई हैं,
ताकि आपको समझने में जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको समझने में दिक्कत किसी भी तरीके की ना हो। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लोफाइल। बिब्लोफाइल का मतलब होता है द लवर ऑफ बुक्स, मतलब किताबों से जो प्रेम करता हो। बगल में आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही होंगी कि लाइब्रेरी में एक व्यक्ति कैसे किताबें सिलेक्ट कर रहा है, यानी इस तरीके के लोगों को क्या बोलते हैं, बिब्लोफाइल, जिनको बहुत ज़्यादा किताब पढ़ने का शौक हो। और ये शौक आपको भी रखना चाहिए क्योंकि ये एक अच्छा शौक है, ठीक है। तो बिब्लोफाइल का मतलब क्या होता है, किताबें पढ़ना या किताबें पढ़ने का शौक रखना, अ लवर ऑफ बुक्स, ठीक है, बिब्लोफाइल। नेक्स्ट है बाइगैमी। अब बाइगैमी मतलब क्या होता है, देखिए बाइगैमी मतलब होता है पहले तो ये अपराध नहीं था, लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो ये अपराध हो चुका है। आपको एक पुरुष जो है वो दो स्त्रियों के साथ विवाह करते हुए दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं बाइगैमी। मतलब एक शादी रहते हुए दूसरी शादी करना, उसी को क्या बोलते हैं, बाइगैमी। देखिए डाइवोर्स देकर शादी करने को बाइगैमी नहीं कहा जाता है। बाइगैमी का मतलब होता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हों और एक और शादी कर लें, दैट इज कॉल्ड बाइगैमी। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल मतलब जैसे कि द्विभाषी। द्विभाषी मतलब दो भाषाओं में, जैसे मैं आपको पढ़ाने के लिए दो भाषाओं का प्रयोग करता हूँ, जिसको मैं कह सकता हूँ हिंदी और इंग्लिश। आपको जितनी भी मीनिंग्स दिखाई दे रही होंगी नीचे, आपको दिखाई दे रहा होगा कि मीनिंग्स भी जो हैं हमारी इंग्लिश और हिंदी में है, यानी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल बोलते हैं, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइलिंगुअल, और हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, द्विभाषी। नेक्स्ट है बाइपेड। अब बाइपेड में आपको एक अजीब सा विचित्र सा घोड़ा दिखाई दे रहा होगा जो दो पैरों पे दौड़ रहा है, और दो पैरों वाले जानवर को या दो पैरों पे चलने को ही क्या बोला जाता है, बाइपेड बोला जाता है, बेसिकली जानवरों को। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बंदर को, बंदर को भी दो पैरों पे चलते हुए देखा होगा, तो वो भी उस समय पे क्या कहलाएगा, बाइपेड कहलाएगा। या आपने अगर पेट एनिमल्स की बात करें तो डॉग की अगर बात करें तो डॉग को भी आपने देखा होगा कि वो भी क्या हो जाते हैं, बाइपेड हो जाते हैं, मतलब दो पैरों पे ही चल लेते हैं, ठीक है। अगर ट्रेन डॉग्स होते हैं तो उनको आप कभी ध्यान से देखिएगा तो वो दो पैरों पे बहुत ही आराम से चल लेते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, बाइपेड बोला जाता है। नेक्स्ट है बुचर। अब बुचर क्या होता है, कसाई। बुचर मतलब क्या होता है, कसाई, वह व्यक्ति जो मीट काटने और बेचने का काम करता है। जैसे कि कसाई जो होते हैं, जो मुर्गा या गोट, मटन, चिकन, इस तरीके का जितना भी कह सकते हो कि मीट सामग्री होती है, उसको कट करके सेल करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, बुचर बोलते हैं। नेक्स्ट है कैकोग्राफर। अब देखिए कैकोग्राफर का क्या मतलब होता है, बगल में आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा गंदी सी हैंडराइटिंग जो कि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। बेसिकली हम लोग कैकोग्राफर के लिए डॉक्टर्स को याद कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर्स क्या होते हैं, डॉक्टर्स की अगर हैंडराइटिंग देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, तो डॉक्टर्स की जो हैंडराइटिंग होती है वो भी एकदम समझ में नहीं आने वाली होती है, तो उसको भी क्या बोला जाता है, कैकोग्राफर, मतलब बहुत ही गंदी हैंडराइटिंग, बहुत सारा स्पेलिंग एरर, उस तरीके की लिखावट को क्या बोलते हैं हम लोग, कैकोग्राफर बोलते हैं। कैडावर। अब देखिए कैडावर क्या होता है, आपको बगल में जो डेड बॉडी दिखाई दे रही है इसी को हम लोग कैडावर भी बोलते हैं, मतलब किसी का भी, किसी व्यक्ति का मृत शरीर जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैडावर बोलते हैं, जो कि आपको बगल में फोटो में दिखाई दे रहा होगा, इसी लाश को, जैसे हिंदी में हम लोग अमूमन तौर पे इसको लाश भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैलोरीमीटर। अब देखिए कैलोरीमीटर क्या होता है, कैलोरीमीटर आपको बगल में फोटो में और अच्छे से क्लियर होगा, ऊष्मा को, ऊष्मा मतलब हीट को मेजर करने के लिए हम लोग जिसका यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैलोरीमीटर, ठीक है ना। मेजर, टू मेजर द हीट, ऊष्मा को मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलोरीमीटर। नेक्स्ट है हमारा वर्ड कैनाबल, कैनिबल, सॉरी कैनिबल। अब देखिए कैनिबल क्या होता है, कैनिबल मतलब आपको बगल में
दिख रहा होगा कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पकाने की कोशिश कर रहा है, यानी पकाकर वो क्या करेगा, खाएगा। यानी कैनिबल उन लोगों को, उन मनुष्यों को बोला जाता है या उन पर्संस को बोला जाता है जो कि मनुष्य का ही मीट खाते हों, ठीक है ना। मतलब आप ये कह सकते हो नरभक्षी मानव, नरभक्षी जो मानव होते हैं, जो मनुष्य का ही मांस खाते हों, उन्हीं को क्या बोला जाता है, कैनिबल बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है कैप्साइज। अब देखिए कैप्साइज आपको बगल में दिखाई भी दे रहा होगा, कैप्साइज का मतलब होता है किसी नाव का पलटकर डूब जाना। किसी नाव का या किसी भी जहाज का, जो पानी की जहाज होती है, उसका समुद्र में पलटकर डूब जाना, दैट इज कॉल्ड कैप्साइज। आपको बगल में ये जो फोटो GIF बहुत क्लियरली ये बता रही है कि इसी को कैप्साइज हम कहते हैं। आप देख रहे हैं कि बड़ी लहरों में किस तरीके से नाव जो है वो डूब जा रही है, दैट इज कॉल्ड कैप्साइज। कॉन्ट्राबैंड बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, बहुत बार पढ़ा गया है, बहुत बार आया हुआ है आपके एग्जाम में कॉन्ट्राबैंड। अब देखिए कॉन्ट्राबैंड मतलब होता है इल्लीगल गुड्स। इल्लीगल गुड्स का मतलब क्या होता है, वह सारी वस्तुएं या वह सारा सामान जो कि आपकी कंट्री या कहीं के लिए इल्लीगल हो। जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो यहाँ पर अगर हम ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स बेचना क्या होगा, इल्लीगल होगा। तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राबैंड। मतलब इल्लीगल सामान जो होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राबैंड, गैर कानूनी सामान, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैरिकेचर। कैरिकेचर का क्या मतलब होता है, आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा और आजकल आप न्यूज चैनल्स पे कैरिकेचर देख सकते हो, जिसमें कि मोदी जी के हास्य तरीके से नाटक बना के, कार्टून टाइप का बनाकर दिखाते हैं, जिससे कि हम लोगों को हंसी भी आती है और प्लस कुछ देखने को भी मिलता है जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हो। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे, ये दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की कैरिकेचर है। अब कैरिकेचर का मतलब समझ में आ गया होगा कि किसी की ऐसी कार्टून टाइप की पिक्चर बनाना कि आपको देखकर उससे क्या हो, हंसी आए, दैट इज कॉल्ड कैरिकेचर। कार्नेज। अब कार्नेज मतलब क्या होता है, कार्नेज मतलब होता है नरसंहार। नरसंहार का मतलब होता है मैसेकर। मैसेकर का मतलब होता है होलोकॉस्ट। देखिए मैं वही वर्ड बता रहा हूं जो मैं पढ़ा चुका हूं। होलोकॉस्ट का मतलब होता है मास मर्डर। मास मर्डर, मैसेकर और आपका कैरनेज, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अब देखिए कैरनेज मतलब होता है, जैसे आप जलियांवाला बाग हत्याकांड को याद कर सकते हैं, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, कई सारे लोगों को जनरल डायर ने एक साथ गोलियों से भुनवा दिया था, जिंदा एकदम निर्दयता से सबको मरवा दिया था, तो उसी को बोला जाता है कैरनेज, मैसेकर, होलोकॉस्ट और मास मर्डर, ठीक है, नरसंहार। कार्नियोलॉजी। अब देखिए कार्नियोलॉजी मतलब क्या होता है, जो बगल में आपको ये खोपड़ी जो दिखाई दे रही होगी, तो इंसान के स्कल के शेप या साइज की जो स्टडी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कार्नियोलॉजी। इंसान का जो हमारी खोपड़ी का शेप होता है, साइज होता है स्कल का, ठीक है ना, उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्नियोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है कूपर। अब देखिए कूपर क्या होते हैं, पहले के जमाने में आप ये देख रहे होंगे कि ये कूपर जो है वो एक व्यक्ति है जो ड्रम टाइप की चीज बना रहा है, ठीक है। इन्हीं ड्रम बनाने वालों को क्या कहा जाता है, कूपर कहा जाता है, जिसमें कि पहले जितने भी लिक्विड मटेरियल्स होते थे उनको रखा जाता था इस ड्रम में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको बनाने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपर बोलते हैं, जो ड्रम बनाते हों या इस तरीके के वेसल्स जो हैं वो बनाते हों उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कार्निवोरस। सबको पता है कार्निवोरस का मतलब होता है वह लोग जो मांसाहारी हों, मतलब जो नॉन वेजिटेरियन हों उन्हीं को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्निवोरस, ठीक है, मांसाहारी सिंपली, और वेजिटेरियन जो होते हैं हर्बीवोरस। नेक्स्ट है साइग्नेट।
अब साइग्नेट का मतलब क्या होता है, आपको ये प्यारे से यंग स्वान दिख रहे होंगे और इन्हीं यंग स्वान को क्या बोला जाता है, साइग्नेट, जो कि आपके एसएससी के एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है। तो साइग्नेट मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्वान के, उन्हीं को साइग्नेट कहा जाता है। ठीक है, नवजात हंस पंक्षी, कोरल रीफ नेक्स्ट वर्ड है हमारा, कोरल रीफ। अब देखिए कोरल रीफ क्या होता है, आपको बगल में जो पिक्चर दिखाई दे रही है उससे एकदम क्लियर हो रहा होगा कि समुद्र के बहुत निचले तल पे अगर आप जाओगे, एकदम नीचे जाओगे, तो आपको वहाँ का अंडर वाटर इकोसिस्टम जो है वो इस तरीके का दिखाई देता है, जिसको हम लोग अमूमन तौर पे समझने की भाषा में काई बोलते हैं। लेकिन आप इसको छोटे छोटे माउंटेन्स कह सकते हो जो कुछ कुछ मटेरियल से मिल मिलकर बनते हैं, इन्हीं को हम लोग समुद्र के नीचे अंडर वाटर इकोसिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरल रीफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरल रीफ बोलते हैं। नेक्स्ट है साइटियोलॉजी, साइटोलॉजी मतलब क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल्स, मतलब जो कोशिकाएं होती हैं, चाहे वो प्लांट की हो सकती है, चाहे वो सॉरी प्लांट की हो सकती है, एनिमल्स की हो सकती है, हमारी हो सकती है, तो इस तरीके के सेल्स की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्रॉट्समैन, ड्रॉट्समैन मतलब क्या होता है, वो व्यक्ति जो कि हमारे टेक्निकल ड्राइंग बनाता हो, जैसे कि बीटेक या आर्किटेक्ट जो किए लोग होते हैं वो लोग टेक्निकल ड्राइंग बनाते हैं, तो उनको क्या बोला जाता है, ड्रॉट्समैन बोला जाता है, जो कि टेक्निकल ड्राइंग बनाते हो। देखिए ड्राइंग कई प्रकार की होती हैं, जैसे एक नॉर्मली हम लोग पेंटिंग करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, टेक्निकल ड्राइंग जैसे कोई आपको बिल्डिंग बनानी हो तो उसका आपने ड्राइंग बनाया, दैट इज कॉल्ड ड्रॉट्समैन, जो व्यक्ति बनाता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉट्समैन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइक। अब देखिए डाइक जो होता है, सबसे पहले यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो बांध है, ठीक है, डैम को ही हम लोग बेसिकली डाइक बोलते हैं, ताकि जो पानी को रोकने के लिए हम लोग यूज करते हैं। डाइक हम क्यों बनाते हैं, पानी को रोकने के लिए बांध बनाते हैं। आपने भारत में बहुत सारे बांध हैं, आपने उनके बारे में पढ़ा भी होगा ज्योग्राफी में, तो उन्हीं को हम लोग डाइक भी बोलते हैं। लेकिन डाइक का एक और मीनिंग होगा, अगर आप सर्च करोगे, दैट इज कॉल्ड लेस्बियन कह सकते हैं, मतलब महिला, अगर महिला से ही प्रेम करे तो उनको क्या बोला जाता है, लेस्बियन, तो उसी को क्या बोला जाता है, डाइक, विच इज अ स्लैंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डोडो। अब देखिए डोडो जो है वो एक तरीके का इंस्टिंक्ट प्रजाति है, इंस्टिंक्ट मतलब विलुप्त प्रजाति, मतलब अब ये आपको देखने को चिड़िया कभी नहीं मिल सकती हैं, क्योंकि ये खत्म हो चुकी हैं, ये वो चिड़िया है जो कभी उड़ नहीं सकती है, फ्लाइटलेस बर्ड। डोडो जो है वो फ्लाइटलेस बर्ड है, जो कि अब विश्व से क्या हो चुकी है, इंस्टिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब खत्म हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं, अब ये हमें कभी देखने को नहीं मिल सकती, तो उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डोडो बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेटरशिप। अब देखिए डिक्टेटरशिप का क्या मतलब होता है, डिक्टेटरशिप का बेस्ट एग्जाम्पल इनसे बड़ा कोई नहीं हो सकता, एडोल्फ हिटलर। अब देखिए एडोल्फ हिटलर के बारे में क्या कहा जाता है, ये बहुत बड़े डिक्टेटर थे, और डिक्टेटर का मतलब होता है तानाशाह, मतलब वो करना जो जिसका मन करे, मतलब जो भी इनका मन करता था वो वही करते थे, दैट इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। मतलब जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, जहां पर डिक्टेटरशिप नहीं होती है, मतलब यहां पे सबके राइट्स बटे हुए हैं, सबकी ड्यूटीज हैं, मतलब सारी चीजें डिवाइडेड हैं, सब एक पर्सन के ऊपर एक पर्सन और बैठा हुआ है, तो सबको एक ही बंदे को सारी पावर नहीं दी गई है, पावर्स को क्या किया गया है, बेसिकली डिवाइड किया गया है, सो दैट कि कोई उसका गलत यूज ना करे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिक्टेटरशिप, मतलब आप तानाशाही करो, मतलब जो आपकी इच्छा हो वो करो। जैसे नॉर्थ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं किम जोंग युंग, उनकी अगर हम बात करें तो वो भी क्या है, तानाशाह है, डिक्टेटर है, बट एडोल्फ हिटलर से बड़ा डिक्टेटर हिस्ट्री में कोई नहीं हो सकता, ठीक है, तो एडोल्फ हिटलर को ही हम लोग तानाशाह कहेंगे। डर्मेटोलॉजिस्ट, अब देखिए डर्मेटोलॉजिस्ट क्या होता है, डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब मैंने आपको
फोटो दिखाई है एक महिला की, जिसमें कि उसको कुछ पिंपल्स हुए हैं। अब ये स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपको होती हैं, डिजीज कह लीजिए, पिंपल्स होते हैं शरीर पे, मतलब चेहरे पे, या जो भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको स्किन से रिलेटेड होती हैं, वो आप जिस डॉक्टर को दिखाने जाते हो उन्हीं डॉक्टर्स को क्या बोला जाता है, डर्मेटोलॉजिस्ट बोला जाता है, मतलब डॉक्टर ऑफ स्किन डिजीजेस, मतलब उसका डॉक्टर जो स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिप्लॉय। अब देखिए डिप्लॉय का क्या मतलब होता है, डिप्लॉय का मतलब होता है जैसे कि अभी आपको पता है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, और अगर हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया और अगर लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो मजबूरन सरकार को आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ेगी। आर्मी डिप्लॉय करनी पड़ेगी मतलब आर्मी को तैनात करना पड़ेगा, तो तैनात करना या सैनिकों को तैनात करने को ही क्या बोला जाता है, डिप्लॉय बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिस्पेंसरी। अब देखिए डिस्पेंसरी तो सबको पता होगी, लेकिन आपके एग्जाम में आई हुई है इसीलिए पढ़ाना ज़रूरी है। और याद रखिएगा, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है, मुझे सब कुछ पढ़ाना है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं हर छोटा वर्ड जो मुझे पता है कि बच्चों को पता है, बट स्टिल आई ट्राइड टू कंसीडर ऑल दोज वर्ड्स कि आपसे कुछ भी ना छूटे या मुझसे कुछ भी ना छूटे। ठीक है, डिस्पेंसरी का क्या मतलब होता है, वह जगह जहां पर मेडिसिन बनती हो या बिकती हो, अ प्लेस वेयर मेडिसिन आर सेल और मेड, ठीक है ना, वो जगह जहां पर मेडिसिन बनती हैं या बिकती हैं उसी को क्या बोला जाता है, डिस्पेंसरी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेक्टाइलोलॉजी। अब देखिए डेक्टाइलोलॉजी का मतलब होता है, मैं आपको बताता हूँ, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहरे होते हैं, नहीं सुन सकते हैं, तो उनको लैंग्वेज ऐसे सुनाई नहीं देती है, तो उनके लिए हाथों से ही, जैसे आपको बगल में दिखाई दे रहा होगा कि हाथों से ही सारे लेटर्स के सिंबल बनाए गए हैं, इन्हीं को क्या बोला जाता है, इसी मैथड को क्या बोला जाता है, डेक्टाइलोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड डेक्टाइलोलॉजी मतलब कि हाथों से आप जो अल्फाबेट क्रिएट करते हो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्टाइलोलॉजी। ठीक है, चलिए तो ये 30 वर्ड थे जो कि आपको याद रखने हैं, और इसकी पीडीएफ आपको आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देखिए, और प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा शेयर भी किया करिए और कमेंट भी किया करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो शेयर ज़रूर किया करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।